नाम मोहम्मद कमाल, काम भगवा पहनकर पाप, आरोप धार्मिक स्थल तोड़ा और पवित्र ग्रंथ से छेड़छाड़। नाम मोहम्मद आदिल, काम भगवा पहनकर पाप, आरोप धार्मिक स्थल तोड़ा और पवित्र ग्रंथ से छेड़छाड़। अगर वक्त रहते मोहम्मद कमाल और मोहम्मद आदिल के चेहरे से पर्दा नहीं उठता तो उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा दंगा हो जाता। अगर वक्त रहते नकली भगवाधारियों की सच्चाई पता नहीं लगी होती तो यूपी के शहरों में हिंदू मुस्लिम फसाद हो जाता। मजार को तोड़ा गया, मजार की चादर को जलाया गया, पवित्र किताब के जलने का मैसेज टाइप हो चुका था। सीन ऐसा तैयार किया गया ताकि दुनिया को लगे कि धार्मिक स्थल पर कांवड़ यात्रा के दौरान तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया, यानी प्लान यूपी को दंगे की आग में जलाने का था। लेकिन कमाल और आदिल के नफरती प्लान पर पानी फिर गया। शाम को यह सूचना मिली कि थाना शेरकोट के में एक मजार है, जलाल शाह की मजार, वहाँ कुछ व्यक्तियों ने वहाँ की चादरें जलाई हैं तथा तोड़फोड़ की है। पुलिस की पीआरवी तथा स्थानीय एडिशनल एसपी, सीओ, एसएचओ ने मौके पर पहुँच कर उसका जायजा लिया। तब तक एक और सूचना आई कि दूसरी जगह पर भी भूरेलाल की मजार पे भी कोई तोड़फोड़ हुई। कांवड़ियों के वेश में एक्टिव दंगा ब्रिगेड, नाम मोहम्मद कमाल लेकिन पहना भगवा, दंगे फसाद वाली टूलकिट के पीछे कौन है, हिंसा वाला प्लान, निशाने पर हिंदू मुसलमान, बिजनौर के दंगाई ब्रदर्स का पूरा बायोडेटा।